देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 8,603 नए केस सामने आए हैं, वहीं 415 लोगों की मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के 38 देशों में फैल चुका है, लेकिन इसके कारण अभी तक किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। अभी भी ओमिक्रॉन से संबंधित मौतों का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन नया वेरिएंट अगले कुछ महीनों में यूरोप के आधे से ज्यादा कोविड मामलों का कारण बन सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर बीएसएफ स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। किसान संघ की बैठक में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी की हमारी मांग सरकार से है, बातचीत अभी शुरू हुई है, देखते हैं इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, अभी कोई रणनीति नहीं बनाई गई है, हम अपने मुद्दों और आंदोलन को लेकर चर्चा करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायक दल की बैठक के दौरान महिला भाजपा विधायक को संबोधित करते हुए कहा कि आप दिखने में तो बहुत सुंदर हैं। नीतीश कुमार की इस टिप्पणी से असहज महिला विधायक ने भाजपा के शीर्ष नेताओं के पास इसकी शिकायत कर दी। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले जवाहर चक्रवाती तूफान को लेकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अलर्ट जारी किया गया है। आज शाम दोनों राज्यों के तटों से तूफान टकरा सकता है। इस तूफान की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा आज अहमदाबाद के संस्कार धाम स्कूल का दौरा करेंगे। साथ ही वो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन की शुरुआत करते हुए संतुलित भोजन, फिटनेस और खेलों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अगस्त को भारतीय ओलंपियन और पैरालंपियन से अपील की थी कि वे 2023 में स्वतंत्रता दिवस से पहले 75 स्कूलों का दौरा करें और कुपोषण के खिलाफ जागरूकता फैलाएं और स्कूली बच्चों के साथ खेलें। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको सस्ता घर खरीदने का मौका दे रहा है। देश का सरकारी बैंक मेगा ई ऑक्शन करने जा रहा है, जिसमें आप सस्ता मकान, दुकान और कमर्शियल लैंड के लिए बोली लगा सकते हैं। ये मेगा ई ऑक्शन 8 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।